मिक्स फ्रूट ऑमलेट स्वाद का सिकंदर। तो भाई स्वाद आएगा, सिकंदर नाम लेना और यहाँ तक उस स्वाद को खिलाना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। यहाँ पे आपको ऑमलेट का बादशाह क्यों बोला जाता है? पापा जी का आशीर्वाद है और मैं कहूँगा पुराने बाबूजी की दुकान है। हाथ में बात तो है कुछ ना कुछ, ऐसी नहीं वायरल हो रखे भाई। मुझे ऑमलेट खाना भी पसंद है और साथ में मिक्स फ्रूट भी खाना पसंद है, लेकिन मैं आ गई हूँ सिकंदर ऑमलेट में, जो की स्वाद के बादशाह कहे जाते हैं। भाई इन दोनों का कुछ मिला के कुछ मेरे लिए बना सकते हो? स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत है। दीदी आई है, कह रही है कि आप फ्रूट वाला ऑमलेट बना देंगे, मैंने फिर भी यस करा और दीदी के लिए आज स्पेशल मैं बना रहा हूँ। एप्पल है, बनाना है, संतरा है एंड अंगूर है, सिंगाड़े। यस। तो भाई स्वाद आएगा? आएगा क्यों नहीं दीदी, जब बनाने वाला पुरानी दिल्ली का हो और जायके हो पुराउजी के मसाले के। यहाँ पे आपको ऑमलेट का बादशाह क्यों बोला जाता है? पापा जी का आशीर्वाद है और मैं कहूँगा पुराने बाबूजी की दुकान है। बाबूजी ने हमारे सड़क से काम करा है, पटरी पे बैठ के, और आज वही जायके मैं बाबूजी के नाम से यहाँ पर देता हूँ। कटिंग आराम से होती है और फिर मैं लूंगा बनाना। आइएगा, इसके एक ऑमलेट की कटिंग करते हैं बड़े प्यार से और इसको बड़े बारीक तरीके से काटा जाएगा। यही जायका है स्वाद के सिकंदर का और ऐसे ही जायकों में बनेगा आज ये फ्रूट वाला मिक्स ऑमलेट। आइएगा। वाह भाई वाह। और फिर उस ऑमलेट को फ्रूट के अंदर तैयार करके देना। लेकिन मेरे को आपको देख के ऐसा लगता है काम जितना मुश्किल हो आपको करने में उतना मजा आता है। ये वही लग रहा है और देखिएगा मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग काट रहा हूँ। ये कम से कम 65 साल पुरानी है। मेरे पापा पटरी पे ऑमलेट बनाया करते थे। सिकंदर नाम लेना और यहाँ तक उस स्वाद को खिलाना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। मैंने मिक्स फ्रूट ले लिए, उसकी कटिंग रेडी कर दिए। हाथ में बात तो है कुछ ना कुछ, ऐसी नहीं वायरल हो रखे। देखिएगा आज स्पेशल खिला रहे हैं फ्रूट वाला ऑमलेट। जी हाँ, जो आपने नहीं खाया, जायका कैसे निकलेगा और क्या स्वाद के जायके रहेंगे। चलते हैं, पहले क्वार्टर मक्खन। देखिएगा अंडे बड़े स्पेशल हैं, क्यों? क्योंकि संडो के अंदर दो अंडे निकलेंगे, एक से दो अंडे, ये मेरी पहचान है। और ये फ्लेवर कैसे बनेंगे और क्या जायका आएगा, आइएगा वो भी खिलाता हूँ। पहले प्याज, मिर्चे, ये अदरक, ये नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, वही जो मुझे आशीर्वाद के रूप में और वो स्वाद के रूप में मिले हुए हैं। और इस जायके को बनाने के लिए पहले ऑमलेट को फेटा जाएगा। देखिएगा दो अंडे अच्छी तरह फेट चुका हूँ और फिर मैं वही जैसे आप घर पे ट्राई करेंगे इसी तरीके से मैं फ्रूट की कटिंग भी कर चुका हूँ। ये मैंने सिंघाड़े डाले हैं, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। ये एप्पल है जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ये संतरे देखिएगा मैं जरूर डालूंगा, ये अंगूर के दाने, जी हाँ जो कटिंग करी थी बारीक करके। मिक्स फ्रूट कटिंग थोड़ी सी कम है, मैं और भी काटूंगा और इसको बराबर बराबर लगाऊंगा। तो मतलब आपको हर चीज का अंदाजा है कि क्या कितना डलेगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए क्योंकि जायके स्वाद के सिकंदर के हैं, तो पहचान ऐसे ही बनती है। और ऐसे ही मैं काटता हुआ चलता हूँ, फ्रूट वाले मिक्स फ्रूट के ऑमलेट को तैयार करता हूँ। और ये जायके ऐसे हैं जो आराम आराम से बनाए जाते हैं और बड़े प्यार से परोसे भी जाते हैं। दीदी मेरे फादर को है ना अखबार वाले कहते थे अंडों का सिकंदर और मेरे को कहते हैं ऑमलेट के अंदर सिकंदर। थोड़ा धनिया, ये टमाटर। अब दीदी ने बताना है कि क्या जायका रहा, क्या आपने ऐसा फ्रूट वाला ऑमलेट खाया है? ऐसी प्लेट के अंदर इतने फ्रूट और फिर उस मसाले के अंदर देना, क्या स्वाद रहा वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तंदूरी मेयोनेज, फिर ये चीज। इस स्वाद को बनाने के लिए एक बार और थोड़ा सा ये मैंने एप्पल डाले हैं और फिर ये सिंगाड़ा और ये मैंने छील चुका हूँ और ये कटिंग है और फिर फ्रूट वाला ऑमलेट तैयार करके देना। यही पहचान है और यही स्वाद के सिकंदर की ऐसी चीजें हैं जो जायकों से भरी हुई है। अब आप देख रहे होंगे कि हाँ फ्रूट डल रहा है, पहले हल्का सा धनिया, फिर ये टमाटर और ये चुटकी बाबूजी के मसाले की। देखिएगा स्वाद बनाना है तो हर चीज अच्छी तरीके से डालनी चाहिए और जो जायका है वो तीन गुना आएगा। जी हाँ, मिक्स फ्रूट का ऑमलेट जो आपने कहीं नहीं खाया, आप देख सकते हैं अच्छी तरह फ्रूट लग चुका है। और ये जायका कहाँ तक है ये आप अपने खाने के बाद अपने व्यूअर्स को बताएंगे, क्योंकि जायका स्वाद के सिकंदर का है। वाह भाई वाह भाई, कुछ डिफरेंट खाने वाले हैं, कुछ अलग खाने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल चीजें तो हम हमेशा खाते रहते हैं। आइएगा प्लेट की प्रेजेंटेशन करते हैं और फ्रूट ऑमलेट को पूरी तरीके से तैयार करते हैं। वाओ, तो डेकोरेशन भी करके दोगे? बिल्कुल, ये साथ में दी जाएगी, फिर अपने बाबूजी का नाम भी जरूर लिखूंगा, ये मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़े से ऑर्गेनो फ्लेक्स जो इटालियन स्वाद है। अब देखिएगा प्लेट, क्योंकि ये स्वाद के सिकंदर के जायके हैं और ऐसे ही ये दिए जाएंगे और इस फ्लेवर को ऐसे ही तैयार करके आपके आगे परोसा जाएगा। ये ग्रीन केचप थोड़ा सा और टेस्ट को बढ़ाते हुए स्पेशल मिक्स फ्रूट ऑमलेट, ये लीजिएगा तैयार है आपके। फ्रूट वाला ऑमलेट जो कि दिखने में मुझे लग रहा था कि भाई नहीं बना पाएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के ना सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। अगर आपको स्वीट एंड स्पाइसी का कॉम्बिनेशन पसंद आता है ना तो ये आपको पक्का पसंद आएगा। मेरे मुंह में अभी जो आया वो आया मेल्टेड चीज, एप्पल और ऑमलेट और साथ में दी ब्रेड। यार अमेजिंग कॉम्बिनेशन था। इसमें ना ऑरेंज डला हुआ है, ग्रेप डले हुए हैं, एप्पल डला हुआ है और साथ में सिंघाड़े डले हुए हैं। मजेदार कॉम्बिनेशन है, बनाना भी डला हुआ है इसमें। मुझे ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन मैंने अपनी पूरी लाइफ में ट्राई नहीं करा है। अगर आप ऐसे कुछ खाना चाहते हैं फ्रूट वाला ऑमलेट, तो आप आइएगा 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन अंदर, रोड कट रहा है सीताराम बाजार, 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। मैं यहाँ पे
टेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मेरी तरह खाते रहिए।